मुनि जिसदा मन मौन हो गया, मन मौन हो गया तो कंठ ऋषि हो गया। हुण इस कंठ विच परमात्मा बोल रहा है, हुण इस कंठ विच ईश्वर बोल रहा है। ये बोल आम बोल नहीं, ये गीतमयी, ये संगीतमयी। यही कारण है कि जगत दे तमाम मुनि ऋषि ने, और जो ऋषि ने वो कवि ने। कविता च कहिंदे ने गल, गीत दे च कहिंदे ने, संगीत दे च कहिंदे ने। धन गुरु नानक देव जी महाराज माण करदे ने, प्रभु मैं तेरा शायर, मैं तेरा कवि। मन मौन हो गया गुरु नानक दा, हो आपों बोल न जानदा, हो कहा सब हुक्म आओ जियो। हे प्रभु मैं ती बोलना ही नहीं जानदा, मैं ती चुप कर गया। एक बोलना नहीं जानदा जबान करके उन्हों असी गुंगा कहिंदे आं, एक बोलना नहीं जानदा मन करके असी उसनों मुनि कहिंदे आं। गुंगा जिहदी जबान नहीं बोलदी, मौनि जिसदा मन नहीं बोलदा। गुंगा मुथाज है, संसार दे संबंध जोड़न दे च भी असमर्थ रह जांदा है। मुनि जिसदा मन नहीं बोलदा उह ते निरंकार दा रूप हो जांदा है, उह ते परमात्मा दा रूप हो जांदा है, उह ते ईश्वर दा रूप हो जांदा है। भावें इस भाषा च कहीए ते दोवें ही गुंगे ने। एक ओ गुंगा है जिहदी जबान नहीं बोलदी, एक ओ गुंगा है जिहदा मन नहीं बोलदा। जिहदा मन नहीं बोलदा उहनूं असीं मुनि कहिंदे आं, जिहदी जबान नहीं बोलदी उसनूं असीं गुंगा कहिंदे आं। और जो मुनि है जिसदा मन नहीं बोलदा, हुण उस दे चों रब बोलदा है, हुण उस दे चों परमात्मा बोलदा है, हुण उस दे चों अकाल पुरख बोलदा है। हुण उसदी जबान परमात्मा दी जबान हो जाती है, हुण उहदे बोल परमात्मा दे बोल हो जाते हैं, हुण उहदे वाक खुदाई कलाम हो जाता है, खुदाई अलहाम हो जाता है। इस तरह का जो ऋषि मुनि है उहदे बोलां च सारे ही रस प्रगट होंदे ने। जैसे शिंगार रस नूं गुरु नानक प्रगट करदिआं करदिआं एकदम करना रस दी बरखा करन लग पैंदे ने। मोरी रुण झुण लाया भैणे सावण आया, तेरे मुंद कटारे जेवड़ा तिन लोभी लो लुभाया। तेरे दर्शन विटों खनिए मना, तेरे नाम विटों कुर्बानो, जा तू ता मैं माण किया है, तुद बिन कहा मेरा माणो। ये ते उसदा जिक्र जिहदी जिंदगी विच सावण आया है, रस दी बरखा है। मन इन नच उठिया है जिवें मोर पहला पांदा पिया होवे। गुनगुनाहट ऐसी पैदा हो गई जैसे मोर बोल रहा होवे। मोरी रुण झुण लाया भैणे सावन आया। इतनी खुशी प्रभु दा रूप वेख के, प्रभु दा रंग वेख के, इत एक हकीकत है। जब हुसन नहीं तो इश्क भी पैदा नहीं होता, बुलबुल गिले दीवार पर शैदा नहीं होता। खूबसूरती ही नहीं, रूप ही नहीं ते इश्क किथे। अगर भगत फिदा हो जांदे ने, फकीर कुर्बान हो जांदे ने खुदा ते, तो लाजमी है महारूप है, महास्वपन है। तदी ते साडे देश दे ऋषि मुनिया ने उहदे अनंत गुणां दे चों एक गुण यह भी आख्या है, सुंदरम तू अति सुंदर है, अति सुंदर है। सत्यम ठीक है तू सत्य है, सदैवी है। शिवम पावे तू अपने आप तो आप ही प्रकाशमान है, पर सुंदरम तू अति सुंदर है, अति सुंदर है, अति सुंदर है। ठीक कह रहे हैं,
उर्दू या शायर जब हुसन नहीं तो इश्क भी पैदा नहीं होता, बुलबुल गिले दीवार पर शैदा नहीं होता, फूल बना दईए दीवार देते रंग भर दईए बुलबुल फिदा नहीं होता, बुलबुल ते उस फूल ते शिदा होवेगा जिस दे कोमलता है, जिस दे स्वप्न है, जिस दे नजाकत है और जिस दे सुगंध है। परमात्मा सुहप्पन है, परमात्मा सुगंध है, परमात्मा कोमलता है, परमात्मा सारी नजाकत दा मुजस्मा है, तदी ते भगत फिदा हो जांदे ने। जिस दा मिलाप हो गया है उदी जिंदगी च सावण आया है, पर जिस दा हिरदा ते तड़प रहा है मिलाप नहीं होया, सावण नहीं है, उत्थे ते जेठ है, उत्थे ते हाड़ है, उत्थे ते तपश तपश है। हुण जो कुछ गुरु नानक कहिंदे ने ते दूजे बोलां च मैं कह दियां, हुण जो कवि कह रहे है, हुण जो ऋषि कह रहे है, हुण जो ये मुनि कह रहे है, चूड़ा भन पलंग स्यों मुंदे सण बाही सण बाहा एते वेस करेंदिये मुंदे सौरा तो अवराहा। चूड़ा पहने है लाल रंग दा, जोड़ा पहने है लाल रंग दा, सजाया अपने मुखड़े नू तू लाल रंग दे नाल, सुरख कीता है तू होठां नू, सजाया है तू अपने चेहरे नू। महाराज कहिंदे ने चूड़ा भन तोड़ दे इस चूड़े नू, किवें तोड़ा किवें तोड़िए, तोड़न दी जाच भी गुरु नानक दसदे ने। चूड़ा भन पलंग स्यों मुंदे, जिस पलंग ते बैठी है उस पलंग दे पावे नाल ही तोड़ दे। हथां नू इतना जोर दा मार पलंग दे पावे थे कि चूड़ियां टुट जान तेरियां बावां टुट जान, इतना जोर दा मार। चूड़ा भन पलंग स्यों मुंदे सण बाही सण बाहा, सण बाही बावां दे समेत, सण बाहा मंजे दे पलंग दे बाहे नाल। ओ जो पलंग दा पावा है, ओ जो पलंग दी बाही है, तोड़ दे अपनियां बावां टकरा के अपनियां बावां नू। क्यों तोड़ अपने चूड़े नू, पाया जिन्हां ने बावां ने तोड़ इन्हां नू, बावां नू किवें तोड़िए, पलंग दियां बाइयां नाल तोड़। इतना जोर दा मार तेरियां बावां भी टुट जान, ये पाया होया चूड़ा भी टुट जाए। चूड़ा भन पलंग स्यों मुंदे सण बाही सण बाहा एते वेस करेंदिये मुंदे सौरा तो अवराहा। वेस ते तो इतना कीता पर सावण ते आया ही नहीं, मिलाप ते होया ही नहीं, की मैंने रखदा है सुंदर सेजा ते बैठना पलंग ते बैठना, की मैंने रखदा है तेरा लाल चूड़े दा पहनना, की मैंने रखदा है तेरा हार शिंगार। चूड़ा भन पलंग स्यों मुंदे सण बाही सण बाहा एते वेस करेंदिये मुंदे सौरा तो अवराहा। माठ गुदाई पट्टिया भरिए मांग सिंदूरे, केसानू सवारे है पट्टिया बनाईया ने, सिंदूर पाया है, धार्मिक शिंगार। एक तिलक लांदा है चोटी रखदा है, एक भभूत लांदा है जटावां धारण करदा है, एक केस रखदा है रहत बहत रखदा है, सब धार्मिक सिंगार ने। कोई सुन्नत धारण करदा है इत शिंगार ने,
ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਠ ਗੁੰਦਾਈ ਪੱਟੀਆਂ ਭਰੀਏ ਮਾਂ ਸਿੰਦੂਰੇ ਅੱਗੇ ਗਈ ਨ ਮੰਨੀਆਂ ਮਰੋ ਵਿਸੂਰ ਵਿਸੂਰੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਾਰਨ ਜਿਸਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਚ ਲਾਲੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਰਖਾਂ ਓਂਟਾਂ ਦੀ ਲਾਲੀ ਬੇਮੈਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਚ ਲਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਤਾਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਚੂੜਾ ਹੱਥ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੇਮੈਨੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਗੁਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਨਣਾ ਅਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਾਠ ਗੁਦਾਈ ਪੱਟੀਆਂ ਭਰੀਏ ਮਾਂ ਸਿੰਦੂਰੇ ਅੱਗੇ ਗਈ ਨ ਮੰਨੀਆਂ ਮਰੋ ਵਿਸੂਰ ਵਿਸੂਰੇ ਤੂੰ ਬਬੂਤ 'ਤੇ ਲਾ ਲਈ ਸਵਾਹ 'ਤੇ ਮਲ ਰਹੀ ਪਰ ਤੇਰਾ ਮਨ 'ਤੇ ਸ਼ੋਲਾ ਰਾਖ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਖਾਕ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੋਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਜਲਨ ਦੀ ਈਰਸ਼ਾ ਦੀ ਪਰ ਬਬੂਤ ਲਾਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਿੰਦੂਰ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਮਾਂਗ ਦੇ 'ਚ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਬੂਤ ਲਾਈ ਹੈ, ਰਾਖ ਮੱਲੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰ 'ਤੇ ਅੱਗ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਅਗਨ ਬਾਹਰ ਤਨ ਸਵਾਹ ਗਲ ਪਾਥਰ ਕੈਸੇ ਤਰੇ ਅਥਾ। ਕਿਵੇਂ ਅਥਾ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਮਸਤਕ 'ਤੇ ਤੋਂ ਰਾਖ ਮੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਅੱਗ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਠ ਗੁੰਧਾਈ ਪੱਟੀਆਂ ਭਰੀਏ ਮਾਂ ਸਿੰਦੂਰੇ ਅੱਗੇ ਗਈ ਨ ਮੰਨੀਆਂ ਮਰੋ ਵਿਸੂਰ ਵਿਸੂਰੇ। ਨਾ ਮੰਨਿਆਰ ਨਾ ਚੂੜੀਆਂ ਨਾ ਸੇ ਵੰਗੜੀਆਂ ਜੋ ਸ਼ੈ ਕੰਠ ਨਾ ਲਗੀਆਂ ਜਲਨ ਸੇ ਬਾਹੜੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੰਤ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕੰਤ ਦੀਆਂ ਕੰਠ ਨੂੰ ਛੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਾਂ, ਸੜ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਾਂ। ਰਾਖ ਮੱਲੀਏ ਤੂੰ ਸਿੰਦੂਰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਮਾਠ ਗੁੰਦਾਈ ਪੱਟੀਆਂ ਭਰੀਏ ਮਾਂਗ ਸਿੰਦੂਰੇ ਅੱਗੇ ਗਈ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਮਰੋ ਵਿਸੂਰ ਵਿਸੂਰੇ। ਨਾ ਮੰਨਿਆਰ ਨਾ ਚੂੜੀਆਂ ਨਾ ਸੇ ਵੰਗੜੀਆਂ ਜੋ ਸੇ ਕੰਠ ਨਾ ਲੱਗੀਆਂ ਜਲਨ ਸੇ ਬਾਹੜੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਣਾ ਰਸ ਦੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਛੂੰਹਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਮੈਂ ਰੋਵੰਦੀ ਸਭ ਜਗ ਰੁੰਨਾ ਰੁੰਨੇ ਵਣੋ ਪੰਖੇਰੋ ਇੱਕ ਨਾ ਰੋਣਾ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕਾ ਬਿਰਹ ਜਿਨ ਹਉ ਪਿਰੋਂ ਵਿਛੋੜੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਰੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਪੰਛੀ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਵਣ ਦੀ ਬਰਖਾ ਬਰਖਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੱਦਲ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸੀਤਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਬਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਰਾਂ ਦਾ ਨੱਚਣਾ ਨੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੜਫਣਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰੋਣਾ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੋਵੰਦੀ ਸਭ ਜਗ ਰੁੰਨਾ ਰੁੰਨੜੇ ਵਣੋ ਪੰਖੇਰੂ ਇੱਕ ਨਾ ਰੋਣਾ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕਾ ਬਿਰਹਾ ਜਿਨ ਹਉ ਪਿਰੋਂ ਵਿਛੋੜੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਰੋਇਆ ਬਿਰਹੇ ਕਰਕੇ, ਮੇਰਾ ਬਿਰਹਾ ਨਹੀਂ ਰੋਇਆ।
मैं रोया विछोड़े करके, मेरा विछोड़ा नहीं रोया, इसनू मेरे ते तरस नहीं आया, इसनू मेरे ते रहम नहीं आया। मैं की रोया, सारा जगत रोया, मेरे नाल रोया नहीं रोया, मेरा विछोड़ा नहीं रोया, मेरा बिरहा नहीं रोया। वाकई जिस दिन बिरहा रो पवे, जिस दिन विछोड़ा रो पवे, विछोड़ा मिलाप हो जाता है। इतनी बरकत है हंजुआ विच, इतनी बरकत है आंसुआ विच, दो चशम मन के दरिया आए, अजीम उल शान ऐ गोया, जहर अशकम बवद शादाबिये, सर बाग बाग ऐंजा। भाई साहब भाई नंद लाल कहिंदे ने, अखां विचों दो हंजू की निकले ने, ये तो इंज ने जिमें पहाड़ां दे सीने चीर के दो दरिया निकले होवन। ऐसे दो दरिया जिसने जीवन की सारी धरती नूं सरसब्ज कर दिता होवे, भावें 999 दरिया वगदे पैने जमीन ते, सारी जमीन नूं सरसब्ज नहीं कर सके। बथेरी जमीना बंजर पईआं ने, बथेरा मरुथल पिया है, बथेरा ऐसा पिया है जो उजड़िया होया है, ये सारे दरिया सरसब्ज नहीं कर सके। पर भाई साहब कहिंदे ने, अखां दे झरनियां दे चों निकले हुए दो हंजू, ऐसे दो अजीम उल शान दरिया ने जिन्हां ने जीवन की सारी धरती नूं हरा भरा कर दिता है। तीर्थां दा पानी, तीर्थां दा जल गुनाह नहीं धोल सकदा, पश्चाताप दे हंदू गुनाह नूं धोंदे ने। कोई ऐसा तीर्थ नहीं जिहदा जल साडे गुनाह धो देवे, साडे औगणा नूं धो देवे, साडे पापा नूं धो देवे। रब्बी विछोड़े च निकले दो हंजू, और ऐसा प्रतीत होवे विछोड़ा रोपे है, और ये दो हंजू जन्मां जन्मांतरां दे पापां नूं धो देंदे ने, जन्मां जन्मांतरां दी गंदगी नूं बहा के लै जांदे ने, हिरदे नूं बाग बाग कर देंदे ने। तदी ते नंद लाल कह रहे ने, दो चशम मन के दरियाए, अजीम उल शान ऐ गोया, जहर अशकम बवद शादा भी है, सर बाग बाग ईजा। पहले बिरहा ते फिर बिरहा रोवे, पहले महसूस होवे कि मैं विछड़िया होया, पिछोड़ा है, फिर विछोड़ा ही रोवे, फिर मैं की रोवां, फिर विछोड़ा ही रोवे। और जद विछोड़ा रोंदा है, जीवन बाग बाग हो जाता है, सारी मैल बह जाती है, सारे दुख संताप उन्हें दो हंजुआ देच बह जाते ने। वो दो हंजू इतने कीमती, दुनिया की सारी दौलत भेट दे रूप देच कदमा च रखी जा सकती है, उन्हें दो हंजुआ की कीमत नहीं है। पर ये हंजू निकलन पहले विछोड़ा महसूस हो गए, पहले बिरहा महसूस होए। एक दिन इसे ही बिरहे की हालत विच बैठे ने नंद लाल, रात का समय, रात मसिया दी है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कोल दी लंगे ते महसूस होया, कोई बैठा है ते होके पिया भरदा है। विछोड़ा पहले होके भरदा है, फिर रोंदा है, फिर रोंदा है, पहले होके फिर रोना, होके ने। और होका जितना गहराई चो निकलेगा उतना दूर तक जावेगा। गहरे तल चो ये होका निकलिया, छू गया धन गुरु गोबिंद सिंह जी दे हिरदे नूं, कोल आए। नंद लाल नूं भी महसूस होया, मेरे कोल कोई खड़ा है। अखां खोलियां, गौर नाल देखण दी कोशिश की थी, तां देख के हैरान होए, इस मसिया दी रात नूं पूर्णमाशी दा चंद्रमा। कदमां ते सजदा कीता है, मत्था टेकया, हथ जोड़ के खड़े हो गए ने। कलगीधर पिता कहिंदे, नंद लाल मैनू दसेंगा ये आसमान काला क्यों दिखाई दे रहा है, इतना काला क्यों है?
जिथे तक देखिए कालक ही कालक, स्याई ही स्याई। नंद लाल कहिंदे मेरे पातशाह, मैं एक शायर हाँ, कवि हाँ, मैं की जाना इतनी कालक क्यों है, ये सारा वातावरण इतना स्याह क्यों है, ये आसमान इतना स्याह क्यों है, काला क्यों है। सतगुरु कहिंदे तू कवि तो है ना, तू कवि दी कल्पना दी दुनिया आउंदी है, तू दस तेरी कल्पना की कहिंदी है, क्यों इतनी स्याही है, क्यों इतनी कालक है, इस सारा वातावरण क्यों इतना काला है, ये आसमान क्यों काला दिखाई दे रहा है। तो नंदलाल बोल देने, रंगश कबूद कर दिले अज पुर सुरार साख्त, अज बस के दूध आहे मन अज आसमां गुजस्त। ऐ मेरे पातशाह, मेरे तड़पे हुए हिरदे चो जो होका निकलिया है, और होका जद आसमान तक पहुंचे है, जो जितनी गहराई चो निकलेगी गल उतनी बुलंद होवेगी, जो गल गहराई चो नहीं निकली ओ गल ओ बोल इतना बुलंद पाया भी नहीं होवेगा, जो होका गहराई तो नहीं निकलिया ओ आसमान नु छू भी नहीं सकदा, गहराई चो निकले हुए होके आसमाना नु पाड़ के रख देंदे। रंगश कबूद कर दिले अज पुरसुरार साख्त, अज बस के दूध आहे मन अज आसमां गुजस्त। ऐ मेरे पातशाह, मेरे तड़पे हिरदे चो जो होका निकलिया है, इन्हें आसमान नु साड़ के काला कर दिता है। सतगुरु ने गलवकड़ी च लै लिया, पुरखा जिस दिन तेरा बिरहार होवेगा उस दिन तेरा हिरदा बाग बाग हो जाएगा। वाकई एक दिन हिरदा रो पै, बिरहा रो पै, ताई नंद लाल नु कहना पै, दो चशम मन के दरिया आए अजीम उल शान ए गोया। जिस दिन बिरहा रोंदा है उस दिन जो हालत बनती है, धन गुरु नानक देव जी महाराज वडहंस राग दे शब्द दे इंज बयान करते हैं, मैं रोवंदी सब जग रुन्ना रुनड़े वणो पंखेरू। ये पंछी गीत नहीं गा रहे, रो रहे ने, ये मोर पैला नहीं पा रहे, तड़प रहे ने, ये सावन बरखा दियां बूंदा नहीं पा रहा, हंजू बरसा रहे है। मैं की रोया बदल रो रहे ने, मैं की रोया पंछी रो रहे ने, मैं की रोया ब्रह्मंड दा जर्रा जर्रा रो रहे है। मैं रोवंदी सब जग रोना रुनने वणों पंखेरू, इक ना रोना मेरे तन का बिरहा जिन हो फिरों बिछोड़ी। संसार दिच पहले ऐसा होंदा है, हुसन कोई देखदा है ते इश्क पैदा होंदा है। पुछ लई गुरु नानक नूं, इतना इश्क इतना बिरहा इतनी तड़पना देखे है, देखे है। तो साहिब कहिंदे हां देखे है, सुपने आया भी गया मैं जल भरिया रोए, आए न सक्का तुझकन प्यारे भेज न सक्का कोए। देखे है मैं सुपने च, देखे है मैं उसनु अपनी नींद दे च। लोकी नींद दे च सुपने देख देन, सुपने च भूत देख देन, लोकी नींद दे च सुपने देख देने, सुपने च हादसे देख देन, लोकी नींद दे सुपने देख देन, सुपने च सप देख देन। कदी कदाई कोई चेतना नींद दे सुपने देख दी, सुपने च प्रभु नू देख दी, परमात्मा नू देख दी। सुपने आया भी गया मैं जल भरिया रोए, आए न सक्का तुझकन प्यारे भेज न सक्का कोए। हुण अपना फिदा होना इस तरह प्रगट करदे ने गुरु नानक, तैं साहिब की बात जे आखे कहो नानक क्या दीजे। जिस दी झलक में सुपने च वेखी अगर कोई उसकी गल सुनावे, ते हुण मेरे कोल कोई पुछे मैं भेंट की दियां उसनु देवां की। तैं साहिब की बात जे आखे कहो नानक क्या दीजे, सीस वडे कर बैसण दीजे विण सिर सेव करीजे। मैं अपना सिर कट के
ਉਹਨੂੰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਸਿੰਘਾਸਣ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਉਸ ਲਈ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਜਿਸ ਦੀ ਝਲਕ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੇਖੀ। ਕਰਣਾ ਰਸ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਨੂੰ ਛੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਸ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੰਠ ਤੋਂ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੰਠ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਦੇ ਕਵੀ ਨੇ, ਰੋਦਰ ਰਸ ਦੇ ਕਵੀ ਨੇ, ਭਿਆਨਕ ਰਸ ਦੇ ਕਵੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਰਣਾ ਰਸ ਦੇ ਕਵੀ ਨੇ। ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਕਰਣਾ ਰਸ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਜੋਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੰਠ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਠ 'ਚੋਂ ਜੋ ਰਸ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਚਮਚ ਨਾਲ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਾਗਰ ਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਮਾਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਸ ਸਾਗਰ, ਪਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਸ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕੋਲ ਚਮਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਕਰ ਉੱਠੇ, ਚਲੋ ਕੀ ਪਿਆਲੇ 'ਚ ਪੀਣਾ, ਕੀ ਚਮਚ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਸਾਗਰ ਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਡੁਬਕੀ ਹੀ ਲਗਾਉਣੀ, ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਜਦ ਕੋਈ ਸਾਗਰ ਦੇ 'ਚ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਗਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਖੇ ਉਮੀਦ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰਗਿਸ ਸਮਰ ਨਾ ਗੀਰਦ। ਉਮੀਦ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੂੰ, ਆਸਾ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਿਉਂ, ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਵਾੜ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਫਲ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਇਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਵਾੜ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਗਰਤੀ ਦੀ ਵਾੜ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੁਚੇਤਪਣੇ ਦੀ ਵਾੜ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਹੈ ਜਪ ਤਪ ਕਰਕੇ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਹੈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ, ਉਮੀਦ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਜਦ ਧਰਤੀ ਸਵਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਾੜ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਰਖਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਫਲ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪੜੇਗਾ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪਾਈਏ। ਸ਼ਾਖੇ ਉਮੀਦ ਆਸ਼ਿਕ ਹਰਗਿਸ ਸਮਰ ਨਾ ਗੀਰਦ, ਅਜ਼ ਆਬ ਅਸ਼ਕੇ ਮੈਂ ਜਗਾਂ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ ਤਰ ਨਾ ਬਾਸ਼ਦ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਬਿਰਹਾ ਇਤਨਾ ਨਾ ਤੜਪੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਝਰਨੇ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ, ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਝਰਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਸੋਮੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਦੋ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਦਾ ਬੂਟਾ ਇਤਨਾ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਫਲ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਖੁਦਾਈ ਮਿਲਾਪ ਨਸੀਬ ਹੋਏ। ਇਤਨਾ ਰੋ, ਇਤਨਾ ਰੋ ਕਿ ਉਮੀਦ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸਰਸਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕੇ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋ ਕਰਣਾ ਰਸ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਰਸਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਸਰਵਨ ਕਰੋ।